आलोक सर, जिस तरह से ये घटना होती है और उसके बावजूद भी पत्रकार पहले भी बता चुके हैं कि मुझे मेरे जान से मारने की धमकी हुई है, यहाँ तक कि वो अखिलेश यादव के सामने भी गुहार लगाते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया जाता, क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, सुरक्षा तो उमेश पाल को भी दी गई थी। उमेश पाल जी के साथ क्या हुआ और अतीक अशरफ वही सुरक्षा घेरे में थे, उनके साथ क्या हुआ? जिला कचहरी में जीवा बहुत बड़े वज्र से गए थे, सुरक्षा घेरे में थे, कोर्ट के अंदर क्या हुआ? और मजेदार बात है कि आज ही के दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा से बोलते हैं कि हमने माफियाओं को ठंडा कर दिया है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी कि अतीक और अशरफ को मारने वाले जो लोग थे वो कौन थे, या जीवा को मारने वाले कौन थे? क्योंकि योगी जी बड़े खुश होकर कह रहे हैं कि मां आया पानी बरस गया, जैसे माफिया ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया। तो जमीन पे पिछले 135 दिनों में हुआ क्या? उमेश पाल को सीसीटीवी कैमरे के सामने भून दिया गया, उसके बाद अतीक अशरफ को सब कैमरों के सामने भूना गया, और जीवा को तो कोर्ट के अंदर भून दिया गया। उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में माफिया शांत हो गए हैं। नवभारत टाइम्स अखबार ने कल हिम्मत करके एक आर्टिकल छापा था, बकायदे 10 माफियाओं की सूची थी पूर्वांचल के, जिसमें एक भी धर्म विशेष का नाम नहीं था, सारे सारे धर्म दूसरे धर्म के लोग थे। उस आर्टिकल में अंकुर तिवारी ने साफ लिखा है कि मुख्यालय से बार बार पूछा जा रहा है कि इन माफियाओं पर शून्य कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। नाम सुनेंगी, उसमें नाम था महापुरुष ब्रजेश सिंह का, महापुरुष विनीत सिंह का, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। हाँ, एक दो यादव भी प्रताप गढ़ के हैं, वो भी मैं जोड़ दूं, क्योंकि तो बचाओ पक्ष में शाम तक अभी तक ये मैं बयान दे रहा हूं तो ट्विटर पे भाजपा द्वारा स्पॉन्सर्ड लोग चालू हो जाएंगे। तो उनको बता दूं कि उसमें 10 नाम है भैया, 10 नाम पढ़ लेना। और ये अगर नवभारत टाइम्स की खबर सही है तो पुलिस मुख्यालय से बार बार पूछा जा रहा है कि इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री नोएडा में बोलता है कि माफिया ठंडे हो गए हैं। अब जनता बचाए बताए कि माफिया वास्तव में ठंडे हो गए हैं। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं भाई साहब, या मन्नू अवस्थी की जिस बात पीड़ा की बात वो कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी उपस्थित था। उस दिन नेता प्रतिपक्ष से सवाल उठाया था उसने, क्योंकि योगी जी तो सवाल लेते नहीं है, किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि योगी जी से सवाल पूछ ले। पूछ लेगा तो अधिकारी कहेगा हम तुमको देख लेंगे। यहां तो योगी से किसी पत्रकार को बात नहीं करने दिया जाएगा, बात करने वही जाएगा जिसको जो सवाल अधिकारी लिख के देगा वही पूछेगा। तो उसने सोचा भाई नेता प्रतिपक्ष है अखिलेश यादव, इनसे पूछ लिया जाए। तो उन्होंने पब्लिकली पूछा, अखिलेश जी ने बोला कि भू माफियाओं पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। इतना कुछ होने के बाद भी कि ये इस लड़के ने, मन्नू अवस्थी ने, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा है और भाजपा के नेता पंकज गुप्ता का नाम लिया है। अब आज लोग ट्विटर पे बता रहे हैं कि उन्नाव जिले में 6-6 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, और प्रदेश के कई ताकतवर लोग, और जब मैं ताकतवर कह रहा हूं, प्रदेश की जनता समझती है कि पिछले 6 साल से कौन से लोग ताकतवर हैं, मैं बोलूंगा नहीं, यह प्रदेश की 25 करोड़ जनता समझ चुकी है कि कौन कौन लोग ताकतवर हैं। उन सारे ताकतवर लोगों ने उन्नाव में जमीन खरीद रखी है। क्यों? क्योंकि 6 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, जमीन का अधिग्रहण होगा, किसान की जमीन उनको पहले से पता है, उन्होंने खरीद ली और अधिग्रहण सरकार से ये लेंगे। तो ये तो खेल चल रहा है। हम आप डिस्कशन करेंगे और मुख्यमंत्री बोलेंगे और वहां पब्लिक ताली पीटेगी। भाई कल रात को मन्नू भंडारी पे, मन्नू अवस्थी पे गोली लगी है। पुलिस ने बयान क्या दिया कि वो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है, वो यूट्यूब चैनल चलाता है, वो सरेआम चैनल पर बोल रहा है कि मैंने ये भू माफिया खिलाफ खबर चलाई है। मतलब इस देश में मानवाधिकार आयोग कहाँ है? उम्मीद है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बयान को देखेगा, उसके बाद सवाल पूछेगा। और पुलिस तो भाई पुलिस है, हर घटना के बाद पुलिस ऐसा रवैया अपनाती है जैसे उसने खुद गलती की कि उस गली में चला गया, उसने मौका दिया और लोगों ने गोली मार दी। एक मैसेज दिया गया है कि भैया तुम वो माफिया पे सवाल करोगे, एक मन्नू भंडारी पे गोली नहीं, मनोज से गोली नहीं चलाई गई है,
ये पूरे प्रदेश में संदेश दिया गया है कि हमारे लोगों पे अगर तुमने उंगली उठाई तो तुमको तुम्हारे साथ यही होगा। अब जनता डिसाइड करे, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, बिल्कुल जनता डिसाइड करे कि उसको ऐसे नेताओं को, लोग कहते हैं मुख्यमंत्री पे सवाल ना उठाओ, क्यों ना उठाए भाई, 75 महीने से उत्तर प्रदेश गृह मंत्री कौन है, योगी जी गृह मंत्री है, और ये जो अधिकारी बने हुए हैं स्पेशल डीजी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पिछले 2-3 सालों से उसी पद पे बने हुए हैं, ऐसा कौन सा फेविकॉल हुआ भाई साहब कि इलाहाबाद में घटना हो जाती है, लखनऊ में घटना हो जाती है, उसके बाद भी उनका ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब एक एक आदमी जिस कुर्सी बैठ गया बैठ गया, किसी कोई जवाब दे ही नहीं है। अगर उमेश पाल की हत्या के बाद इलाहाबाद के कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया होता, अतीक की हत्या के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया गया था, तो आज हर पुलिस वाले को पता होता कि भैया ये जो है अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, और सस्पेंड जब होंगे तो उनका सीआर खराब होगा, उनको आगे चल के प्रमोशन में परेशानी होगी। लेकिन यहां कुछ भी हो जाए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लोग बताएं ना कि पिछले 6 महीने में कौन सा बड़ा माफिया मारा गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस की गोली से। तो पत्रकारों गोली सिर्फ मन्नू अवस्थी को नहीं मारी गई है, गोली पूरे प्रदेश के हर पत्रकार को बोला गया है जो भी सत्ता से सवाल पूछ रहा है कि बेटा संभल जाओ, हमारे लोग पूरे प्रदेश में 80 जिले में फैले हुए हैं। आलोक सर एक आखिरी सवाल है, क्या योगी सरकार में विधायक चला रहे सरकार या फिर मंत्री विधायक मिलके ही चला रहे सरकार, और माफियाओं को जिस तरह से नाम आ रहा है उनके साथ जोड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं अपने ही जो विधायक है जो भाजपा के नेता है उनको अनदेखा करके सीधा विपक्ष के पीछे पड़ गए हैं? योगी सरकार ना विधायक चला रहा है ना मंत्री चला रहे हैं, अखिलेश जी के नवरत्नों का हल्ला मचा था, लेकिन योगी जी के यहाँ 4-5 स्पेशल रतन है, वो लोग सरकार चला रहे हैं। मैं कल कहीं बैठा हुआ था एक बड़े आदमी से जो भाजपा के साथ पिछले 27-28 साल से समर्पित कार्यकर्ता रहा है, भाजपा का 28 साल से समर्पित कार्यकर्ता रहा है, मैं उसको 2005-06 से जानता हूं जी। उसकी पीड़ा ये थी कि अगर कहीं उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अधिकारियों द्वारा बोला जाता है कि भैया मीडिया वालों इनका ज्यादा कवरेज मत देना, इनकी फोटो ज्यादा मत छापना। आप समझिए कि पर्दे के पीछे से हो क्या रहा है, ये भ्रम है आपको। ये सरकार योगी जी के हाथ से भी अब निकल चुकी है, सिर्फ 5-6 अधिकारी चला रहे हैं और वो योगी जी को तक कोई चीज पहुंचे नहीं दे रहे। योगी जी क्या है भाई, योगी जी ऐसा तो है नहीं कि बिना सुरक्षा घेरे के निकल ले भाई, खोता है ना। अखिलेश यादव रोज जो है कम से कम 500 लोगों से अपने ऑफिस में मिलते हैं, बाहर जाते हैं तो सड़क पर रास्ते रुक के मिल लेते हैं, ब्रजेश पाठक जाते हैं या केशव मौर्या जाते हैं तो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बिना सुरक्षा घेरे को थोड़ा रिस्क लेते हैं, लेकिन कभी आपने योगी जी को देखा है? उनका सब कुछ तो प्लान्ड होता है। मतलब एक जैसे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा परफॉर्मर है, उस पैटर्न पे कि वो जाएंगे 11 बजे वो फीता काटेंगे, 11 अगस्त पे माइक तैयार होगा, इस तरह का करोड़ों रुपए का स्टेज बनेगा, ये बोलेंगे, ये लोग आएंगे और किसी पत्रकार को सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो हमको क्या पता है कि योगी जी कितना कुछ देख रहे हैं। आप समझिए वो कल मथुरा में उन्होंने बहुत सारी योजना का लोकार्पण किया, आज नोएडा में है, फिर सोमवार आ रहा है वो गोरखपुर चले जाएंगे, फिर उसके बाद सावन आ रहा है वो बनारस चले जाएंगे, फिर उनका फोकस क्या रहेगा कि कांवड़ियों पे कोई परेशानी ना होने पाए। तो ये योगी जी तक बहुत सी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि योगी जी जनता के चुने हुए नेता है, और गोरखपुर में भी लोग बोलते हैं कि गोरखपुर में पहले क्या होता था, दरबार होता, जनता दरबार, कितने लोग वहां जा रहे हैं, एक जरा सरकार डाटा दे दे कि गोरखपुर में हर हफ्ते में 2 दिन जनता दरबार लगाते हैं। डाटा निकलना चाहिए ना कि अगर एक दिन में 500 लोगों की एप्लीकेशन आती है उस पर क्या कार्रवाई हुई। तो ये भ्रम तो मुझे, मैं तो बहुत क्लियर हूं कि ये सरकार ना मंत्री चला रहे हैं, ना विधायक चला रहा है, ना योगी चला रहा है, ये चला रहे हैं 4-5 अधिकारी, क्योंकि भाजपा के अंदर में
गजब की एक अघोषित वार चल रही है योगी जी और अमित शाह के बीच। लोग बताते हैं यहाँ पे केशव मौर्या की पॉपुलरिटी से लोग अलग परेशान रहते हैं, ब्रिजेश पाठक भी ब्राह्मण खेमे के नेता बने जाते हैं। तो यहाँ खेमे में बटी हुई पार्टी है। अखिलेश यादव की सरकार में होता था कि 5 मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तो इतने मुख्यमंत्री हैं कि खुद मुख्यमंत्री को पता नहीं कितने मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दरअसल ये सरकार 4 या 5 अधिकारी चला रहे हैं, वो हर चीज को घुमा देते हैं और योगी जी तक सच नहीं पहुंच रहा है। अगर सच पहुंच रहा होता तो योगी जी इस तरह की चीजें न बोलते, क्योंकि चेहरा कौन है सरकार का? योगी है। उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दी, वो बोल दिए। जीवा की हत्या के बाद लखनऊ में कितने अधिकारियों पे सस्का सस्पेंशन हुआ, कितने अधिकारी ट्रांसफर किए गए, कोर्ट के अंदर मारा गया एक अपराधी, अतीक और अशरफ के बाद कितने आईपीएस पे कार्रवाई हुई। जब तक आईपीएस ऑफिसर्स पे कार्रवाई नहीं होगी और जो जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे 2-2, 3-3 साल से जो लोग बैठे हुए हैं उनको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक नीचे तक मैसेज नहीं जाएगा। चांदी लूटने के आरोप में 50 लाख के आरोपी दरोगा का आ जाता है, खबर आता है, सब लोग चला देते हैं कि सस्पेंड हो गया और बर्खास्त कर दिए गए। ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो बंदा जाता है कोर्ट से, उसकी नौकरी बहाल हो जाती है। अशोक जी आप भी जानते होंगे बहुत सी ऐसे केसेस जिसमें दरोगा और सिपाही को सरकार ने बयान जारी किया, बर्खास्त हो गया। एक सुरेंद्र तिवारी थे बनारस में, इंस्पेक्टर थे, बाद में उनको उनको भी सरकार ने बर्खास्त कर दिया। पता चला 2 साल बाद हाई कोर्ट से वो बर्खास्ती उनकी खत्म हो गई, वो नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ तो मीडिया भी पूरा सच नहीं बताता है। तो सुष्मिता जी ये मैं मुझे कोई भ्रम नहीं है कि सरकार योगी जी चला रहे हैं, सरकार बेसिकली 4-5 अधिकारी मिलकर चला रहे हैं।